जो लोग कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ सोशल मीडिया में अभद्र भाषा या फिर आपत्तिजनक पोस्ट के साथ छवि खराब करने की कोशिश करते हैं वो अब खबरदार हो जाएं, क्योंकि अब कांग्रेस के नेताओं ने देश भर के कांग्रेस नेताओं से ऐसे लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करने की बात कही है, जिसकी शुरुआत आज कृष्ण नगरी मथुरा से हुई, जहाँ पर ऐसे ही दो लोगों के खिलाफ कांग्रेस नेताओं द्वारा तहरीर दी गई है, जो कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे थे। ऐसे लोगों से नाराज होकर आज मथुरा के कोतवाली पुलिस में तहरीर दी गई है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। कुछ असामाजिक तत्व पिछले काफ़ी दिनों से सक्रिय हैं और वो राहुल जी को की छवि खराब और धूमिल करने के उद्देश्य से वो लगातार पोस्टें डाल रहे हैं। हमने उनके खिलाफ थाना कोतवाली मथुरा में तहरीर दे दी है और उनके खिलाफ आज मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूरे प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से ये आह्वान करता हूँ कि जहाँ जहाँ इस तरीके के असामाजिक तत्व हमारे राष्ट्रीय नेताओं को, प्रदेश के नेताओं को लेकर के जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो एडिटिंग कर कर के फ़ोटो गंदे और नग्न बना करके जो पोस्ट करते हैं, जो गलत वीडियो और अभद्र भाषा में गाली गलौज की वीडियो बना करके वायरल करते हैं, उन लोगों के खिलाफ प्रत्येक कांग्रेसी खड़ा होकर के उनके खिलाफ आईटी एक्ट थानों में मुकदमे पंजीकृत कराए, क्योंकि इस तरीके की मानसिकता के लोग समाज में रहने के लायक नहीं हैं। उनका सही स्थान जेल में सलाखों के पीछे होना चाहिए।